कॉलेज की पढ़ाई एसपीटी कॉलेज नासिक में हुई, डॉक्टर बने पोचार कॉलेज बरेली मुंबई से, विशेष प्रावीण्य एसएससी गणित में 100% मार्क्स मिले, जगन्नाथ शंकर विशेष स्कॉलरशिप मिली, डिबेट स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे इनाम मिले। हॉबी 1970 से दवाखाना शुरू की, उस वक्त मालेगांव में ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं थे, 60 से 70 डिलीवरी घर घर जाकर की, बहुत सारी दुश्वारियाँ थी, फिर भी बिक्री का काम करते हुए एक भी माता या बाल मृत्यु नहीं हुआ। प्राइवेट बिजनेस के साथ सेवावादी संस्था लायंस और रोटरी क्लब में महिला मंडल की तरफ से होने वाले सेमिनार में सर्विस दिए। 1989 में महिला डॉक्टर और ऑफिसर बनने का चांस मिला। वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग, ट्राइब पोलियो लोगों में जाकर उनका डर निकाला और उस काम से बहुत मेहनत की। आजकल के सेंटर में शुरू रहने वाली नसबंदी ऑपरेशन का प्रचार करने के श्रेय अमृता भावसर और रीता मंचन को जाता है। कई बार चेयरपर्सन का आदेश लेकर निर्णय लिए, लैप्रोस्कोपिक शिविर के लिए दिन भर मेहनत की, लोगों से पेशेंट के लिए पैसे जमा किए, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भांगे, माननीय डॉक्टर वाक्सर, पीपी हेवरे, इन डॉक्टरों का सहकार्य मिला। रिटायर होने के बाद भी डॉक्टर वाक्सर ने और काम करने की चाह दी। सोशल वर्क, बचपन से ही मैडम के माँ बाप के संस्कार अच्छे थे, ससुराल में भी प्रोत्साहन और चांस मिला, इसलिए गरीब लोगों की मदद करने के तरह में आगे रहे। दो बेटे और दो बेटी मरम किए, कड़ी उम्र काटना ये उपक्रम द्वारा तरुण युवती वगैरह उनको मैं मरम्मत किए, कोरोना में भी काम किए। ऐसे हैं डॉक्टर प्रीता मर्चन मैडम को गुजारिश करती हूँ कि ये आए और मेरे बच्चों के साथ हेलो नमस्ते। और मैं तो पहले जेएनटी कॉलेज की शुक्रगुजार हूँ कि जो कुछ मेरी पढ़ाई हुई है उसमें का जो मुझे मालूम है वो शेयर करने का मुझे आज चांस मिला है। अभी अपन दफ्तरी मैडम का जो लेक्चर सुना उसमें उन्होंने अपने फिजिकल फिटनेस के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, उसी को लेके उसी धागे से आगे अपन बढ़ते हैं कि फिजिकल फिटनेस मैंने तुम्हारे में कोई किसी को झगड़ा करने के लिए या मस्ती करने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हारी जो फिजिकल फिटनेस है उसके जरिए तुम्हारे शरीर में जो कोई जरा सी बाहर हवा के जरिए, पानी के जरिए या दूसरी बीमारी से आते हैं तो उसको रोकने के लिए वो फिजिकल फिटनेस की उपयोग करना है। जैसे कि घर में समझो चोर आया है और तुम्हारी खिड़की दरवाजे एकदम मजबूत है अच्छे तो आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है, और वो एकदम कमजोर रहे तो चोर धक्का मार के अंदर आएगा। उसी तरह से अपने शरीर में यदि अपने को फिजिकल फिटनेस एकदम अच्छा है तो बाहर से आने वाले जरासीम हमें असर नहीं कर सकते। आज का अपना जो टॉपिक है हेल्थ और हाइजीन, यानी कि स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये दोनों लफ्ज ऐसे बेटा कि वो एक दूसरे पे निर्भर ही नहीं है लेकिन उनको साथ साथ चलना जरूरी है। जैसे कि आप अभी बैठे हो तो नीचे देख के बैठे होंगे कि कोई गंदी तो जगह नहीं है ना, घर से निकले होंगे तो आईने में एक बार तो ऐसे ऐसा देखा ही होगा मैं अच्छी दिखती हूँ ना, अच्छे कपड़े पहन के समझो निकले, किसी ने आपके ऊपर कुछ कूड़ा कचरा डाल दिया तो आपको एकदम चिढ़ चढ़ जाएगी, बराबर है। और यदि आपको कोई पूछता है तू कैसी है तो तुम बोलेंगे अच्छी है। जब आप अच्छी है ऐसा बोलते हो इसका मतलब ऐसा है कि अपने को आज नींद अच्छी हो गई है 5-6 घंटे, आपको अपने आप भूख लगी है, उसका हजमा हो गया है और आप फ्रेश हो, बराबर है। 3 क्राइटेरिया जब आपके इसमें लगते हैं तब तुम अच्छे हो ऐसा लगेगा। यदि आप कोई फंक्शन में निकले
और अचानक आपको सर दर्द होने लग गया तो आप क्या करेंगे, अपना मूड जाएगा और मूड गया तो तुम अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर सकेंगे। उसी तरह से यदि आपको शारीरिक बीमारी नहीं भी है और सब कुछ अच्छा है, किसी ने कुछ बोल दिया, अपना मन दुखा दिया तो तुम्हारा मूड जाता। इसके लिए शारीरिक और मानसिक ये दोनों चीजें जो है वो अपने को एकदम अच्छे से ख्याल रखना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि कोई चीज अपने हाथ में है, कोई चीज अपने हाथ में नहीं। जैसे कि बीमारियां जो है, कोई बीमारियां अपने को माँ बाप की ओर से जन्म से आती है, कोई बीमारी ऐसी है कि अपनी गंदी आदत की वजह से अपने को लगती है, कोई बीमारी ऐसी है कि जो अपने हाथ में नहीं है। जैसे कभी कोरोना का सबने देखा है, हवा में वो कोरोना था, इसलिए अपन इतना घर में रहते थे, बार बार हाथ धोना, मास्क इस्तेमाल करते थे, उसको रोकने की कोशिश करते, बराबर है कि नहीं। और कोई बीमारी ऐसी रहती है कि अपने को बिना समझे अपने अंदर आ जाती है। अभी जो माँ बाप से अपने में बीमारी आती है, उसमें कुछ बीमारियां जैसे कि कैंसर माँ बाप को रहा तो कभी भी हमें हो सकता है। थैलेसीमिया बीमारी खून की बीमारी है, आपने सुना होगा उसके बारे में। उसमें अपनी जो सफेद लाल पेशियां होती है वो एकदम कम हो जाती है और फिर अपने को खून ही बनता नहीं बदल में। उसके लिए हर महीने अपने को खून ट्रांसफर करना लगता है। वो बीमारी ऐसी है कि वो जिंदगी में अच्छी नहीं होती, लेकिन आदमी मरता भी नहीं है, उसको ट्रीटमेंट खून दे के ब्लड डोनेशन से ठीक हो सकती है। उसी तरह डायबिटीज, वो भी एक ऐसी बीमारी है कि अपने को वसीयत के रूप में माँ बाप से मिलती है। माँ बाप अपने को बहुत सारी वसीयत देते हैं, पैसा देते हैं, घर देते हैं, सब देते हैं, ससुराल अच्छा देके देते हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी है कि जो बिना इच्छा के भी उनको अपने को ये वसीयत मिलती है। ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है वो भी अपने को वसीयत में मिल सकती है। और दूसरी बात समझो, अपन जन्म से किसी को ओठ फटा हुआ रहता है, किसी को ताले में छेद रहता है, अपनी 5 उंगलियां है वैसे किसी की 6 उंगलियां रहती, किसी को 4 उंगलियां रहती। ये जो सब जन्म से बीमारी है वो अंदर पेट में से ही डिफेक्ट की वजह से आती है। उसको अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी साइंस इतना आगे बढ़ा है तो उसमें अपने को ऑपरेशन करके इलाज वगैरह हो सकता है। उसी तरह से जो हवा की बीमारी है उसके लिए अपने को क्या करना है, तो यहाँ पर जो स्वच्छता है उसका खास ख्याल रखना है। घर में तुम खुद के लिए साफ सफाई रखना जरूरी है, लेकिन तुम कितने भी साफ सुथरे नहाए और समझो तुम्हारे घर में कचरा है, तुम्हारे घर में कुछ बाहर किसी ने फेंक दिया है, तो तुम्हारी साफ सफाई कोई काम नहीं आएगी। इसलिए खुद के तो साफ रहना है, फैमिली मेंबर्स को भी साफ रखने को बोलना है, घर भी साफ रखना है, मोहल्ला भी साफ रखना है, गली भी साफ रखना है। तो इसमें थोड़ा बहुत ध्यान, तुम बोलेंगे हमारे हाथ में क्या है, लेकिन आदत लगे तो तुम सब एजुकेटेड हो तो समाज के प्रति अपना क्या काम है, तो तुम एजुकेटेड हो तो तुम ट्रेन कर सकते हो। घर में समझो तुम्हारे माँ बाप है, दूसरे भाई भाभी सब है, सबको तुम बोल सकते हो कि नहीं ऐसी साफ सफाई रखना है, ऐसा करना है। मोहल्ले में 4 लोगों को तुम बोल सकते हो कि कूड़ा जो है वो गीला अलग डालो, सूखा अलग डालो, कहीं कचरा दिखा तो उसमें बोल सकते। एक छोटी छोटी समाज सेवा एक प्रकार की, उसके लिए आपको नगर सेवक आमदार या खासदार बनने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें है कि जो तुम ध्यान रखते, तुम्हारा खुद का घर मोहल्ला गली भी साफ करते। वैसे होते थे गाँव साफ होगा, गाँव साफ होगा तो तालुका, तालुका हो तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हुआ तो राज्य। इसके लिए ये साफ सफाई बहुत जरूरी है। अभी ये जो साफ सफाई है तो अपने बारे में जब सोचते हो तो पहली बात तो अच्छी तरह से नहाना जरूरी है। अपन सर से चालू करेंगे साफ सफाई के बारे में, तो सर जो है तो कम से कम हफ्ते में 2 बार जो भी धोना ही चाहिए। गर्मी के दिन रहे तो 1 दिन आड़ भी तुम सर धो सकते हो। सर धोने के लिए आजकल तुम लोग लड़कियां क्या ये जनरेशन एडवर्टाइज पर बहुत जाती है, टीवी में एडवर्टाइज देखी, शैम्पू देख लिया, लेकिन बेटा वो शैम्पू में केमिकल्स रहते हैं, इससे अपना सीटे खाई अरीठा इसका जो शैम्पू रहा वो आप इस्तेमाल करो। और सर नहीं धोया अच्छी तरह से तो उसमें तो जू वगैरह भी पड़ने की पॉसिबिलिटी रहती। और दूसरी बात जो है, तेल से मालिश करना बहुत जरूरी है। मालिश भी करते तो अपनी जो 4 उंगलियां है, 4 उंगलियों से अच्छी तरह से मसाज करना है। मसाज करने से वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो तुम्हारी मेमोरी भी बढ़ती है, और वहां का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो बाल बढ़ने में भी उसको मदद होती है।
इसलिए खाली तेल चिपचिपाने का नहीं है, उसको मसाज करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना जरूरी है। यदि अच्छी तरह से बाल की साफ सफाई नहीं रखी तो डैंड्रफ मैंने जिसको कोंडा भूगा बोलते वो होता है, उसकी क्या असर होती है मालूम है बेटा? खाली सर पर नहीं असर होती है, लेकिन वो कोंडा नीचे उतर के तुम्हारे आंख के जो बाल है आईलैशेस उसके ऊपर वो कोंडा आता है, कान के अंदर भी आता, खुजली आने लगती है, आंख पर वो कोंडा आएगा। ये बात आज तक किसी ने आपको बोली नहीं होगी, लेकिन वो डैंड्रफ जो है वो आंख में भी डैंड्रफ होता है। ऐसे समय में खाने का सोडा जो रहता है वो पानी में डाल के उससे तुमने आंख दिन में दो बार धोनी चाहिए। ये हुआ सर के लिए। उसके बाद आंख पर आते हैं, रोज सुबह उठ के आंख ठंडे पानी से सबका मार के धोना है, खाली पानी नहीं लगाना है, उसके ऊपर ऐसे छिड़कना है, समझे ना, उसके ऊपर छिड़कना है। ये छिड़कने से रात भर की जो आंखें अपनी टाइट हुई रहती वो थोड़ी क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद नाक है, नाक के बारे में भी जो है तो नाक में बाल रहते हैं तो बहुत लोग क्या करते, बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हो गए आजकल, बाल अच्छे नहीं दिखते इससे क्या करते बाल कट डालते। लेकिन ये जो बाल है बेटा ये अपने नाक के लिए फिल्टर है, जो हवा आती है, हवा में तो अपना कोई कंट्रोल है नहीं, बराबर है। अभी समझे पावर रूम चलते है या पॉल्यूशन, गाड़ी का कितना पॉल्यूशन है हवा में, दिन ब दिन बढ़ता है। पहले घर में एक गाड़ी रहती थी, अभी हर एक व्यक्ति के लिए एक एक गाड़ी है, टू व्हीलर है। ये जो हवा का पॉल्यूशन है अपने मालिकाओं में, तो पावर रूम का पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन में जो हवा रहती है तो गॉड इज ग्रेट, उसने बहुत बड़ा अपने नाक में फिल्टर बैठा हुए, तो जो नाक में बाल रहते हैं उसमें वो हवा फिल्टर होके जाती और गंदगी बाहर रह जाती। इसलिए नाक जब आप साफ करते हैं तो गंदगी थोड़ी बहुत निकल जाती है, इसलिए नाक भी बार बार साफ करवाना जरूरी है। नाक में से जो हवा जाएगी वो सीधी अपने फेफड़े में जाती है, इसलिए फेफड़े की भी फिर साफ सफाई रहती है। इसलिए आपको मालूम होगा कि जब ये कोरोना का था तो बहुत 60% लोगों को फेफड़े खराब हो गए थे, क्योंकि हवा की बीमारी थी, तो हवा खराब थी उसकी वजह से होता था। इसके लिए नाक की भी साफ सफाई बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है अपना मुंह, मुंह में तो दांत और जबानी दो चीजें, बराबर है, तो दांत एकदम साफ रखने चाहिए। उसके लिए सुबह उठ के तो सब लोग ब्रश करते हैं, लेकिन मैंने देखा है, मैंने आज तक 27 साल में जहां भी कॉलेज स्कूल में लेक्चर दिया है तो रात को ब्रश करने की किसी को आदत नहीं है, क्योंकि अपनी दिन भर चक्की चालू रहती है, कुछ ना कुछ खाते है अपन, बराबर है, फिर वो चक्की रात को बंद हो जाती ना, लेकिन चक्की में जो पार्टिकल रहे है वो थोड़े निकलते हैं। इसलिए आज से मेरी सीख, ध्यान रखो कि सबने रात को सोने के पहले अपने को ब्रश करना बहुत जरूरी है। एक बार सुबह नहीं किया ना खाली कुंडे के तो मैं तो बोलती चलेगा, लेकिन रात को जो दिन भर का अपना खाया हुआ रहता है रात को ब्रश करना बहुत जरूरी है। समझो तुम किसी के साथ बात कर रहे उसके मुंह की गंदी बात आती है या तो तुम्हारी बात है तो तुमको अच्छा लगेगा क्या, यहाँ अपना मानसिक क्या बिगड़ जाता है, तुरंत अपना नाक पर हाथ जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो जैसे अपने को लगता कि सामने वाले की दुर्गंध हमें नहीं आनी चाहिए तो अपने भी दुर्गंध नहीं जानी चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो दो बार दांत घसना बहुत जरूरी है। दांत घसने समय जो अपने मसूड़े है पिंक कलर का भाग है वो आदत नहीं है किसी को करने की, मसाज मसूड़े को मसाज करना बहुत जरूरी है, एकदम अंडरलाइन करके सीख लो तुम लोग। मसूड़े को मसाज करते ना तो वहां का ब्लड सप्लाई बढ़ के मसूड़े इतने मजबूत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि दांत किसमें बसे अपने, किसमें है दांत, मसूड़े के अंदर फिक्स है, बराबर। मसूड़े अच्छे नहीं रहे तो पायोरिया हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। इससे दांत से भी ज्यादा चिंता किसकी करनी चाहिए, मसूड़े की करनी चाहिए। ये बात तुम लोगों को कोई बताएगा नहीं, तो आज तुम्हें बात समझो। तो मसूड़े को अपने हाथ से उंगली से अच्छी तरह से मसाज करना है, रोज दिन में दो बार तो भी नमक का पानी करके कुल्ले करना है। नमक का पानी यानी एंटीबायोटिक रहता है, वो बैक्टीरिया मारता है। दिन में अपने को तकलीफ रहो या नहीं रहो, लेकिन दिन में दो बार कभी भी जब भी तुमको बने तो गुनगुना पानी करके नमक के पानी से कुल्ले करना जरूरी है। दूसरी बात जबान, जबान के तो बहुत सारे उपयोग है, बराबर है कि नहीं? तो उसका भी अपने को कैसे शब्द बहुत संभाल के बोलना है, ये अपने मानसिक हेल्थ में आता है। किसी को भी अपने को गुस्सा आए तो खराब लफ्ज कभी नहीं बोलना है। और तुम लोगों की जो जनरेशन है, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर, तो तुम तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल करना सीखो। गुस्सा कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे आगे के आफतें भी टल जाती है,
और गुस्सा करने से नुकसान किसका किसका होता है बोलो तो खुद का ज्यादा होता है ना नुकसान क्योंकि अपना मूड जाता है तो गुस्सा आ जाता है फिर खाना नहीं खाते और आज मूड नहीं है स्टडी नहीं करते झगड़ा हो गया तो ये जबान का वो जो उपयोग है उसका अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करने को करो और पेशेंस रखने की कोशिश करो किसी ने कुछ बोल दिया अपने को कुछ होता नहीं बदन को कोई हानि नहीं होती लेकिन मन को बहुत नुकसान होता है तो मन पर नहीं लेने का लेट को करने की आदत रखो जितना तुम लेट को करेंगे उतना तुमको मन से सकून रहेगा और ये जबान जो है उसको टंग क्लीनर से साफ करवाना भी बहुत जरूरी है ये जबान जो है ना तुम लोगों को मालूम नहीं होगा तुम डॉक्टर के पास कभी भी जाते हो हमारे पास हम पहले बोलते जबान बताओ क्योंकि दैट इज द इंडिकेटर ऑफ योर हेल्थ ध्यान में रखो जबान कैसे उसके ऊपर से हम जज करते हैं तुम्हारा हजमा कैसा है या तुम्हारी ये कैसी है भूख कैसी वो सब जबान से होता है तो जबान को भी क्लीन कर रखना बहुत जरूरी है उसके बाद आती होंठ की बात है तो होंठ सूखने नहीं चाहिए तो दिन में एक बार कम से कम तेल लगाने की कोशिश करो खाने का तेल लगाओ कोबरे का लगाओ या लिप बाम लगाओ लेकिन होंठ जो है वो अच्छे ड्राई नहीं होने चाहिए हमेशा गीले रहने चाहिए आजकल तुम लोग बहुत लिपस्टिक की लगाते हो लेकिन लिपस्टिक में भी केमिकल रहते हैं तो ठीक है ना तुम पे फंक्शन में उतने लगा और मैंने ऐसी लड़कियां देखी मैडम कि सारा घर में से बाहर निकले मोहल्ले में इतनी इतनी लड़कियां लिपस्टिक लगा लगा के घूमती क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती तो होंठ के लिए लिपस्टिक भी कैसी है हानिकारक हो सकती है उसके बाद कान की बात आती है कान भी अपन नहाते तब ऐसे ऐसे ढंग कर देते लेकिन तुम कान की एनाटॉमी देखेंगे तो उसको देखो सब ऐसा है वर है शेप जो है तो अपना हाथ जो है उंगली जो है उंगली और कान के हर एक इसमें जानी चाहिए तो दो भाग दिखते ना आपको सबको और यहाँ पर तो कान को खाली पानी लगा के साबुन लगा के साफ नहीं करना है उसको उंगली लेके यहाँ से सब दूर और कान के पीछे जो भाग है वहां पर बहुत लोगों को खुजली आती है हमारे पास पेशेंट आते क्योंकि ये भाग किसी का ध्यान ही जाता नहीं समझे क्या तो कान के पीछे भी अच्छी तरह से साफ सफाई करनी है बाकी जो है तो मुंह तो साफ कर लिया सब हो गया अभी अपने बॉडी के पास आते हैं जो अपना बगल है तो बगल जो है वो बंद ही रहता है बराबर है तो वहां पर पसीना बहुत आता है पसीना आया तो दिन भर एक बार नहाए तो कोई उसके तरफ ध्यान नहीं देता है इसलिए क्या करना चाहिए कि नहाने के बाद बगल के अंदर अपनी सादी पाउडर जो रहती है वो पाउडर लगा देनी चाहिए रोज के रोज पाउडर लगाएंगे तो पसीना थोड़ा हुआ एब्सॉर्ब हो जाएगा बराबर है और रात को सोने के पहले एक तो नहाने की आदत रखो नहीं नहाने की आदत रही तो कम से कम कपड़े तो बदल ही लेना चाहिए नाइट ड्रेस जो है वो अलग ही रखना चाहिए जो दिन भर कपड़े पहने वो नहीं पहनना चाहिए बहुत सीधी सी बात है लेकिन मैं जो बातें आपको आज बता रही हूँ उससे अपनी आधी बीमारी टल सकती है तो बगल भी अच्छी तरह से साफ करना है वहां के जो बाल है महीने में एक आता बाल भी कम करने है कट करने के या तो शेविंग करने के लेकिन बाल भी क्या है निकालने चाहिए उसके बाद जो बात आती है तो अम्बिलिकस हेनिपेन भी वो तो इतना निग्लेक्टेड ऑर्गन है अपने लिए उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है लेकिन आपको मालूम होगा जब अपना जन्म होता है तो ये जो बिंदी अपनी है वहां से माँ की अपनी नाल जुड़ी हुई रही थी पूरा जो अपना घोष बनता बोन्स बनते अपन जो पूरा डेवलप होते है तो नाल में से उसको पोषण मिलता है तो जब कट करते हैं जन्म हो जाता है तो भी उसकी अहमियत इतनी है कि जो बेबी है अपनी यानी अम्बिलिकस उसके नीचे पूरी जो आंतड़ी की नसें है उसका पूरा ऐसा सेंटर छाते जैसी जुड़ी हुई है इसलिए वो भी साफ करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि पेट का वो निचला भाग है समझे यहाँ पर मैंने पानी डाला तो जहाँ खड्डा होगा यानी स्लोप होगा वही जाएगा क्या नहीं पानी तो उसी तरह से अपना पेट का भाग जो है साइड में ऊंचा रहता है और बेबी जो है वो कैसा है निचला भाग है तो जो भी गंदगी बाहर के वो सब पूरी कहाँ जाती है बेबी के अंदर जाती है इसके लिए नहाते समय बेबी में वो साबुन डाल के उंगली डाल के अच्छी वो साफ करवाना जरूरी है वो अच्छी साफ करके दिन में एक बार उसमें तेल भी डालना जरूरी है उसको तेल डालेंगे तो न्यूट्रिशन आतरे को भी मिलता है उसका ध्यान रखना है उसके बाद आती है अपनी जांघे का भाग अभी तुमको जूठा लगेगा आजकल जींस की पैंट पहनते टाइट स्नैक्स वगैरह पहनते तो मेरे पास 60-70% लड़कियां स्किन इन्फेक्शन की आ रही है और वो स्किन इन्फेक्शन उसकी वजह से होता है कि 6-7 घंटा जींस की टाइट पैंट पहन लेते हैं वो टाइट पैंट पहनने की वजह से पसीना वहां रहता है
चमड़ी जो है वो कभी कभी खराब हो जाती है और फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, फंगल माने फंगस मारने में पुष्टि, वो इन्फेक्शन हो जाता है, चमड़ी काली पड़ जाती है, खुजली आती है। इसके लिए जांघों की जो साफ सफाई है वो बहुत अच्छी रखना जरूरी है। उसके लिए जितना वो ढीला तुम कपड़ा पहनेंगे, सूती पहनेंगे, उतना अच्छा है। दूसरी बात, नहाते समय वहां पर भी जैसे मैंने बगल में बोला वैसे अपने को जांघों में भी पाउडर लगाना जरूरी है। तीसरी बात, अंडर गार्मेंट जो है वो सूती ही पहननी चाहिए, सूती पहननी चाहिए। उसके लिए फैशन की चीज आपके पॉलिस्टर नायलॉन नहीं पहननी चाहिए। और जब एमसी आती है तो सैनिटरी पैड्स जो तुम इस्तेमाल करते हो तो सैनिटरी पैड जो है वो भी, कोई लड़कियां बोलती कि मैडम मुझे तो दो दो दिन कम बहुत ब्लीडिंग होता है, बहुत कम ब्लीडिंग होता है, मैं नहीं इस्तेमाल करती। ऐसा नहीं करने का बेटा, एक बार नहाते सैनिटरी पैड चेंज किया है तो रात को कंपल्सरी वो पैड बदलना ही चाहिए, निकाल देना चाहिए। यानी 12 घंटे से ज्यादा कोई भी सैनिटरी पैड रखना नहीं है। एडवर्टाइजेस बहुत आती है 24 घंटा रखो, 72 घंटा रखो, लेकिन उसके पीछे हाइजीन के हिसाब से नहीं जाना है। तो सैनिटरी पैड रहो, या तो फिर घर का भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। सब इतने पैसे वाले नहीं कि सैनिटरी पैड अपने इस्तेमाल कर सकते। अभी तो बायोग्रेडेबल निकले हैं, आप एडवर्टाइज देखते होंगे या गूगल पर आप खाली सैनिटरी पैड टाइप करेंगे तो तुमको 17 प्रकार के पैड की मालूम मिलेंगी। उसमें भी बायोग्रेडेबल यानी कि सैनिटरी पैड ऐसे निकले है कि वो 6 घंटे में उसका पूरा माटी हो जाती है, पानी ऐसा नहीं मिट्टी हो जाती है उसका, और वो पॉल्यूशन फिट नहीं होता है। कोई सैनिटरी पैड ऐसे है कि उसको बहुत दिन तक वो वैसे रहते हैं और पॉल्यूशन होता है। ये जो पैड की बात है तो जब तुम तुम्हारे बदन से निकालते हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, खाली थैली में डाल के ऐसा फेंक देते। अरे वो कचरा उठाने वाले का कुछ तो सोचो, इतनी गंदगी उनके हाथ में देने का। तुम खाली नल के नीचे टैप वाटर जिसको बोलते वो पैड पकड़ के उतना पूरा ब्लीडिंग निकाल दो, फिर कागज के थैली में पैक करके तुम डस्टबिन में डालो। प्लास्टिक का थैली में मालूम है प्लास्टिक को कितना पॉल्यूशन होता है, तो कम से कम इतनी एक बार किए तो भी तुम्हारा देश के जो मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत जो है, तो उसमें तुम कितनी छोटी सी बात है बेटा, तुम्हारा पैड जो है खाली धोने का, नल के नीचे पकड़ने का, तुमको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं, कागज के थैली में डाल के रखने का, प्लास्टिक में नहीं रखने का, इतना काम कर सकते हो। जो लोग घर का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, सूती अच्छे से कपड़ा, वो भी एकदम साफ सुथरा धो के इस्तेमाल करना है, मैंने बोली वैसे। लेकिन पहली बात उसमें बहुत जरूरी ध्यान रखो, वो जो पैड घर का है वो धूप में ही सुखाना है। क्या करते हैं, छोटे छोटे घर रहते मकान बराबर है, अपने भाई पिता काका घर में रहते तो शर्म आती, तो लड़कियां क्या करती है, वो कपड़ा सुखाती उसके ऊपर अपना टॉवेल वगैरह डाल देती है, बराबर है। तो वो जो गिल्ला रहता है ना वैसा नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे धूप में वो कपड़ा सुखाना चाहिए। अभी मुझे मालूम है तुम लोगों को मालूम है, मैंने जब धूप के दिन आते हैं यानी मई महीना आता है तो तुम्हारे घर के माँ वगैरह जो है देखते होंगे कि कपड़े पूरे धूप में डाल देते हैं, कुछ 12 महीने की चीजें रहती है पापड़ वगैरह वो भी धूप में डाल देते, देखा है कि नहीं। वो क्या एडे लोग है क्या, अपने पूर्व है जो अपने पूर्व जो है ना पहले जमाने के लोग बहुत होशियार थे, पूरी चीज को धूप लगाते 12 महीने में एक ही बार अच्छी धूप आती। ये जो एमसी का कपड़ा है तुम जो इस्तेमाल करते हो उसको भी अच्छी तरह से धूप में ही सुखाना चाहिए। 5 या 6 साइकिल होने के बाद उसको जला देना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। वो कपड़ा शब्द तुमने 5-6 बार इस्तेमाल किया और ऐसे फेंक दिया, कड़क हो गया फेंक दिया, अरे इतनी गरीबी है भारत में तो जो रोज रास्ते में देखते हो तुम प्लास्टिक कपड़े इकट्ठा करते, बहुत बेचारे गरीब लोग घूमते हैं, वो ऐसा कपड़ा देख के लेंगे, कुछ चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते। ये कपड़ा जला देना बहुत जरूरी है, तुम अच्छे से ध्यान रखो। ये बात, घर का कपड़ा इस्तेमाल किया तो वो 5-6 साइकिल के बाद जला देना है और वापस फिर नया इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, जो अपनी पेशाब की जगह है योनि मार्ग जो है अपना, तो योनि मार्ग जो है तो आप सब एनाटॉमी पढ़े हो, शरीर रचना पढ़िए 10वीं 11वीं में, बराबर है। तो उसमें योनि मार्ग में अपना पहले एक पेशाब यानी अंडाकृति रहता है, बराबर है।
अंडकूद है, उसमें क्या क्या होता है, एक पिशाब का छेद यानी यूरिनरी मेजस रहता है, दूसरा जो है वो योनि मार्ग रहता है, और तीसरा जो है वो नीचे गुदद्वार यानी जैसे अपने को पाखाना आता है वो रहता है, बराबर है। तो ये जो तीनों चीज है ना वो अपने स्त्री के बारे में वो एक लाइन में है। मैं आपको बता रही हूँ आप देख रहे हो स्क्रीन पर, स्क्रीन पर देख रहे हो। हाँ देखो ये योनि मार्ग जो है ना उसमें तीनों छेद है, देख मैं बड़ा करके बताऊं, रेड रंग का है ऊपर काला और दूसरा नीचे काला, समझ रहे हो आप बराबर। तो ये तीनों एक लाइन में है, बराबर है। जब कभी भी पेशाब करते हैं, तो अपने लेडीज का जो योनि मार्ग है वो खुला है, बराबर है। आदमियों का रहता है वो लंबा होगा, एक ही छेद रहता है। तो जब पेशाब करते तो वहां पर एक एक बूंद रहने की संभावना रहती है। समझो दिन में 7 बार पेशाब तुमने किए, 7 बार पेशाब किए तो वहां एक एक बूंद रहेगी। तो व्हाट डज यूरिन कंटेंट्स, यूरिन में क्या रहता है, इट कंटेंट सॉल्ट, बराबर है। पसीना यूरिन ये सब शरीर में बाहर निकालने की जगह है। तुमको यहाँ पसीना है तो तुम चाट के देख सकते खा रहा है, पेशाब को टेस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो इट कंटेंट सॉल्ट, बराबर है। इसके लिए नमक का पानी समझो तुमने जमीन पर डाला है, थोड़ी देर के बाद वो इवेपोरेट होता नीचे थरथरा रहता है, नमक रहेगा कि नहीं। उसी तरह से ये मिसाल मैं इसलिए दे रही हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन हाइजीन के बारे में बहुत जरूरी है ये चीज। तो जितनी बार पेशाब हो उतनी बार पानी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पानी इस्तेमाल मुझे बहुत आनंद होता है, खुशी है कि आप लोगों में पानी इस्तेमाल करते है, हर बार पानी इस्तेमाल करते है, तो वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पाखाने की जो जगह है वो भी उसी लाइन में आती है, बराबर है। लेकिन पाखाना जब धोते हैं, अभी तो जेट आ गया तो बहुत कम प्रमाण है, लेकिन समझो हाथ से धोते हैं तो पीछे से आगे धोने की आदत रहती, सारे को वैसे आदत रहती। तो पाखाने में जो मिष्ठा रहती यानी जो मटेरियल अपना हजमा होके बाहर निकलता, बॉडी रखने की चीज नहीं है वो, बाहर निकालने की चीज है। तो उसका एक एक पार्टिकल भी समझो तुम्हारे योनि मार्ग में चला गया तो थोड़े दिन से इन्फेक्शन होके खुजली चालू हो जाती, और वो जो खुजली चालू हो जाती फिर सफेद पानी चालू होता। तो सफेद पानी खुजली ऐसा चक्र चालू रहता। इसके लिए पाखाना धोते समय जेट भी लगाया तो लगा के उसका फोर्स पीछे वैसा लगाने का, हाथ से यदि धोते हो तो आगे से पीछे हाथ से धोने की कोशिश करो। इतनी ये एकदम बेसिक जो चीजें है उससे भी अपना जो हाइजीन है योनि मार्ग का वो अच्छा रह सकता है। तो ये हुई अपने को पेशाब करते समय, पाखाना करते समय और महावारी में, ये तीनों ख्याल में अपने को ध्यान रखना है। उसी तरह से अभी आगे पैर के नीचे घुटने के पीछे की जगह, भी जो है ना, तो वहां पर पसीना आता है, पसीना आया तो वो जगह जो है तो वापस आप लोग घुटने करते तो वहां की चमड़ी जो है घसी जाती है दूसरे पर। इसके लिए उसका भी ध्यान रखना है, नहाते समय भी अच्छा सूखा करना है और ऐसे भी दिन में एक दो बार वहां पर हाथ लगा के सूखा कर लेने का है। उसके बाद पैर, पैर जो है अपने तो पैर का अंगूठा और उसके बाजू की उंगलियां जो है तो मिट्टी जाती है, दिन भर सॉक्स भी पहने तो सॉक्स भी शाम को बदलना चाहिए। नहीं बदले सॉक्स तो कम से कम सॉक्स निकाल के पैर अच्छी तरह से दो उंगली के बीच में अपने पुराने टूथब्रश रहते ना, टूथब्रश से वो जगह घस लेनी चाहिए। दूसरी बात, तो तलवे रहते अपने तो तलवे में भी क्या होता है कि दिन भर कुछ ना कुछ मिट्टी वगैरह जाती रहती, तो तलवे भी जो है तो अपना ब्रश रहता कपड़े घसने का या फिर टूथब्रश से तलवे भी अच्छी तरह से घसते, जितना साफ रखेंगे उतनी बीमारी क्या होगी, कम जाएगी। एक बात आपको बता दू, मिट्टी के अंदर जो है ना आप लोगों को मालूम है टेपवर्म नाम के छोटे छोटे जंत रहते, वो पाँव के तुम्हारी समझो साफ नहीं रहे या उसमें क्रैक्स रहे हो जाते, ठंडी के दिन में क्रैक्स होते, उसमें से मिट्टी के जरिए वो जाके, ऐसी भी केसेस हुई है आपका विश्वास नहीं रहेगा, वो टेप वर्म पाँव में से ब्लड के सर्कुलेशन में से जाके सर में गए
और सर्वे जाके उसको मेनिनजाइटिस और पेशेंट को हो गया है, ये प्रैक्टिकली बात मैं आपको बता रही हूँ। यानी इतने डेंजरस हो रही थी, आपको बहुत सीधी बात सकते कि क्या पाव को इतना साफ करने की जरूरत है, लेकिन ऐसी भी केसेस होती है। इसके लिए पाव भी जो है खाली मुंह का ध्यान नहीं रखने का है, पाव का भी ध्यान रखने का है। बस मुंह अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया ऐसी बात नहीं है, पाव भी उतना ही साफ रखने की जरूरत है। उसी तरह से जो हाथ है अपने हाथ की उंगलियां भी, आपको मालूम है क्या, अभी कोरोना में तुमको ट्रेनिंग हुआ होगा शायद हाथ धोने का, सुमन सुलटे उल्टे मिडल में बीच में और अंगूठा, बराबर है? आपको मुझे लगता है शायद ट्रेनिंग हुआ होगा यहाँ पर कि हाथ कैसे खाली ऐसा ऐसा कर लिया, साबुन की सुगंध है ऐसा साफ नहीं करना है, समझे क्या? तो हाथ भी एकदम सिस्टमेटिक साइंटिफिक रूप से, यानी मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया है सुमन, सुलटा उल्टा, समझे ना, बीच में उंगलिया यानी अंगूठा ऐसे, समझे ना, और नेल यानी नेल्स, बराबर आखिरी आता है नेल भी जो है तो हफ्ते में एक बार काटना चाहिए, बोलते बढ़ते हुए तो 15 दिन में काट लेना चाहिए। तो ये सुमन ऐसा तुम ध्यान रखेंगे ना तो तुमको हाथ धोने का भी क्या करने का है, अच्छी तरह से ख्याल रखने का है। ये सब चीजें कैसी हो गई कि अपने सादी साफ सफाई के बारे में। लेकिन जब कभी बीमारी आती है तो टाइफाइड हुआ तो तुमको हम डॉक्टर लोग बोलते हैं अभी तुम खाना मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो और बीमारियां जो है ये शरीर के हिस्से तो हो गई बीमारियां सब, चमड़ी का रोग हो सकता है, तुमको आंखें आ सकती है, तुमको कान में भी कभी ड्रम में इंजरी हो सकती है, ये सब बीमारियां तो है, उसके डिटेल में जाएंगे नहीं। लेकिन एक बात मुझे आपको आज यहाँ बतानी है कि ब्रेस्ट के कैंसर का जो प्रमाण है वो बहुत आजकल बढ़ गया है, वजह हमको भी नहीं मालूम है। उसी तरह से बच्चे दाने पर जो पीसीओडी, आप एजुकेटेड होंगे पेपर पढ़ते होंगे तो पीसीओडी यानी बच्चे दाने के बाजू में जो नलियां रहती है वहां पर छोटी छोटी गांठें आती है, वो गांठें अनमैरिड में ज्यादा आती है, यानी 14 से 20 साल के अंदर के लड़कियों को ये बीमारी बहुत हो जाती है, वजह अभी तक हमको भी ढूंढ के मालूम नहीं हुई है। देखिए जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, स्ट्रेस बढ़ गया है तुम्हारा स्टडी की वजह से, कंपटीशन की वजह से, और पॉल्यूशन भी जो है, और हार्मोनल चेंजेस जो है वो हार्मोनल चेंजेस अभी बहुत जल्दी बढ़ गए हैं। हार्मोनल चेंजेस पहले 16 साल के बाद एमसी आती थी, यानी सब लाइफस्टाइल वैसी अलग थी, अभी मालूम नहीं क्या है। एक ऐसी भी शोध निकली है कि जो एक टीवी के रेट जो आते हैं उसे बीटा कैरोटीन नाम के रेट बोलते हैं, उसकी असर सब पर हो जाती है, तुम्हारे 9-10 साल के लड़कियों को भी आजकल एमसी आ जाती है। ये जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है उसकी वजह से पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज ये बहुत कॉमन हो गया है। उसके बारे में आपको मुझे ये बताना है, यदि आपको एमसी रेगुलर आती है और बहुत 15-15 दिन तक आपका ब्लीडिंग जाता है, या तो 2-2-3-3 महीने तक एमसी नहीं आ रही है, एमसी आने के बाद बहुत ही दर्द होता है, या तो शादी हो गई 2-3 साल तक बच्चे नहीं हुए, ऐसे वो पीसीओडी के 5-6 लक्षण है, तो तुरंत सोनोग्राफी करके उसका अपने को निदान करवाना जरूरी है। निदान करना के बाद ट्रीटमेंट होती है, डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए जो मैं बोली कि हेल्थ एंड हाइजीन, तो हेल्थ के लिए हर साल एक बार सबने सोनोग्राफी करवाना, अपना थायराइड टेस्ट करवाना, शुगर टेस्ट करवाना, ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाना, इतनी और आंखें, क्योंकि आजकल तुम लोग भी ये भी सब ऑनलाइन देख रहे हो तो आंख के ऊपर ज्यादा स्ट्रेन आता है, तो आंखें ये ईयरली कंपल्सरी चेकअप तो अपनी होनी चाहिए, ये बेसिक चेकअप है सब। एनीमिया यानी तुम्हारे खून की कम है, यानी रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन, ये 6 टेस्ट कम से कम साल में एक बार कराओ तो अल्लाह ताला करे कुछ ना निकले, लेकिन कुछ भी डिफेक्ट रहा तो उसमें से अपने को क्या होता है समझ जाता है। जिनके घर में थैलेसीमिया नाम की जो बीमारी बोली वो होगी तो उन्होंने थैलेसीमिया के लिए भी अलग टेस्ट करवाना जरूरी है। इतना सब होने के बाद तुम लोगों को अभी दफ्तरी मैडम ने तो सब बताया, खुराक के बारे में भी बताया, प्रोटीन खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये रूटीन चेकअप करवाना जरूरी है, सोनोग्राफी करवाना भी बहुत क्या है जरूरी है। अभी ये जो बातें हैं तो एक छाती का कैंसर भी आजकल बहुत बढ़ गया है, लगभग 100 कैंसर में से 60-65 लोग ब्रेस्ट कैंसर के मिल रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर लेडीज को ही होता है, इसी नहीं है, आज ये मालूम मेरे से ले लो कि जेंट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, समझे ना, जेंट्स को भी, अपने गाँव में भी 4 केसेस ऐसी मेरे मालूम वाली हुई है,
जेंट्स को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो अपने को ब्रेस्ट कैंसर जो है अवेयरनेस कैसे रखना है, तो अपन जब बाथरूम में रहते तो आईने के सामने खड़ा रह देता है, आईने के सामने खड़ा रहते, दिस इज सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। और लगभग इसमें से 100 में से 80 लोगों का ब्रेस्ट कैंसर ऐसे डिटेक्ट हुआ है। तो क्या क्या देखेंगे उसमें, पहले तो खड़ा रह के देखना कि दोनों ब्रेस्ट एक लाइन में है क्या नहीं, ये पहले देखना बराबर है। कैसे देखेंगे, जो निपल है अपने, तो निपल एक लाइन में है कि नहीं, यदि एक निपल ऊंचे एक निपल नीचे है तो उसको उनको गौर करना है। दूसरी बात जो है साइज देखना है, दोनों साइज इक्वल चाहिए। समझो तुम्हारे हाथ में एक थैली भरी है तो थोड़ा तो तुम झुकेंगे कि नहीं, झुक जाएगा अपना हाथ, झुकेगा क्या नहीं। तो यदि एक ब्रेस्ट में कोई गांठ है तो तुम्हारा बराबर कंधा क्या हो जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा। तीसरी बात जो निपल है, तो निपल जो है अपनी ठीक होनी चाहिए, उसमें से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए और उसके बाजू में कोई गड्ढे जैसा नहीं होना चाहिए। तो निपल जो है उसमें से यदि कोई पानी या पीले रंग का स्त्राव या लाल रंग का स्त्राव आता है तो वो भी उनको ध्यान रखना है। उसके निपल के बाजू में जो एरियोला जो गोल भाग रहता है तो उसमें भी खड्डा पड़ा है क्या या कुछ और तकलीफ है क्या, वो देखना चाहिए। तीसरी बात, तुम्हारी जो छाती है तो तुमने दाहिना हाथ तुम्हारा ऊपर किया तो दूसरे हाथ से छाती जो है टटोल के चारों कोने में देखनी है, 1, 2, 3 और 4, और उसमें यदि आपको छोटी सी भी गांठ दिखे तो वो एक ध्यान रखना है। उसी तरह से ये हाथ ऊपर करके दूसरी छाती देखनी है। सबसे अहम बात जो है, जब भी कभी तुम देखो तुमको लोगों को कहीं पाँव में कोई जख्म हो गई तो यहाँ पर गांठ आती जान में आती ना, हम मराठी में उसको ओळंबा बोलते है, आप लोग क्या बोलते मालूम नहीं, लेकिन कहीं भी कुछ जख्म हुई तो उसके जो ग्लैंड्स लिम्फेटिक ड्रेनेज, आप लोग ये शब्द समझेंगे, तो छाती में यदि कैंसर है गांठ रहा तो उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जाता है, बगल में जाता है और बगल में भी गांठें बढ़ जाती है। इसके लिए हाथ ऊपर करके बगल भी चारों तरफ से टटोल के तुमको देखना है। तो महीने में एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट बहुत ही जरूरी है और ये करना खुद कर सकते हो। जब तुमको कुछ डाउट लगे तो तुरंत तुम डॉक्टर इलाज क्या करने का है, जाने का डॉक्टर इलाज करने के लिए। उसी तरह से बदन में कहीं भी गांठ हो और वो दर्द नहीं करते हो, अंडरलाइन करके ध्यान रखो, जो नहीं दुखने वाली गांठ है वो कैंसर की हो सकती है। उसकी वजह भी मैं बोलती हूँ आपको, कैंसर कैसे होता है अभी तक किसी को समझा नहीं है, क्या होता है वो मालूम है। जो सेल्स है नॉर्मल सेल्स वो एब्नॉर्मल बढ़ते है और एब्नॉर्मल बढ़ने की वजह से उसको अपन कैंसर बोलते हैं, लेकिन अंडरलाइन रीजन अभी तक नहीं मिला है, इतना साइंस आगे गया। उसका वजह क्या है, क्योंकि अंदर की जो नॉर्मल अपने सेल्स है वही क्या होती है, बढ़ती है। तुम्हारे घर में समझो झगड़ा हुआ है किसी का, घर में सास बहू का बोलो, तुम्हारे भाई बहन का, तो तुरंत तुम बाहर बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। अपन क्या करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। जब बहुत बढ़ जाता तब क्या होता है, तो बाजू वालों को मालूम पड़ता है झगड़ा दूर दूर से। उसी तरह से अपनी ये जो बॉडी के सेल्स है नॉर्मल सेल्स बदन के अंदर की है, इसके लिए वो जब बढ़ते हैं तो बाहर कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, बराबर है क्या नहीं। लेकिन जब वो सेल्स बहुत बढ़ जाते हैं और नीचे रहे होश पर या नस पर या वहां का जो ऑर्गन है वो है, समझो लीवर के ऊपर का हुआ तो लीवर पर दबान पड़ के डाइजेशन बराबर नहीं होगा, उल्टी होने लग जाएगी, मछली उड़ जाएगी। जब ये लक्षण दिखते तभी ही वो कैंसर समझता है, एकदम ध्यान में रखो। इसके लिए कोई भी गांठ नहीं दुखने वाली रही तो पहले तुम्हारे माथे में आना चाहिए, सोच में आना चाहिए कि ये कैंसर की हो सकती है, तुरंत डॉक्टरी इलाज के लिए सोनोग्राफी अभी तो बहुत एडवांस निकला है, MRI सीटी स्कैन करके। कैंसर को तुम जितना जल्दी रोकेंगे उतना उसका क्या होगा, आगे असर भी उपचार भी जो है उसके ट्रीटमेंट वो भी आसान हो सकती है। इसके लिए बगल में कहीं भी गांठ रही तो उसको तुमने निग्लेक्ट नहीं करना है, तो कैंसर का जो है वो भी तुमने ध्यान रखना है। फिर कौन से भी चीज का हो, जैसे कि संडास में से खून गया और दुखा नहीं तो तुम बोलेंगे नहीं किसी को, है कोई भी पेशेंट तो बोलेगा नहीं, लेकिन बिना दुखने वाला खून जो यदि गया पाखाने में से पेशाब में से खून गया या खून की उल्टी हुई है तो तुरंत उसका भी तुमने ध्यान रखना है। ये हुआ है कैंसर के बारे में।
दूसरा जो टीबी की बीमारी वगैरह जो है तो उसका भी हेल्थ एंड हाइजीन का संबंध आता है। समझो तुम स्मोकिंग नहीं करते हो लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी करते हैं स्मोकिंग, तो उसका जो धुआं है कुछ भी तुम स्मोकिंग नहीं करते हुए भी दिन भर में 12 घंटे में तुमको 3 या 4 बीड़ी पीने का या सिगरेट पीने से जो नुकसान होता है वो नुकसान तुमको हवा से होता है। तुमको टीबी हो गई, हम बोलेंगे भाई तुम तो स्मोकिंग करते नहीं हो लेकिन घर में जो स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से तुमको नुकसान हो सकता है। आजकल लड़कियां भी स्मोकिंग करती है, ड्रिंक्स लेती है, ड्रग्स लेती है, तो अल्लाह ताला करे कि मैंने बोलती कि आप लोग कोई ऐसा करते होंगे लेकिन आपकी सहेजा कोई करती होगी तो उनको भी जो एडिक्शन है उससे तुमने रुकाने की कोशिश करने की। दूसरी जो मैं बोलती कि मानसिक हेल्थ, तुम घर पर गए समझो तुम्हारे घर माँ बाप का हमेशा झगड़ा चालू रहता है या दारू पी के आते हैं पिताजी को, तो तुम्हारा भी सब माहौल अपने मन का बिगड़ जाता है। तो कोशिश करने की उनको भी समझाने की कि तुम्हें अच्छी चीज नहीं है, ड्रिंक्स मत लो, ड्रग्स मत लो, स्मोकिंग मत करो, गुटखा, गुटखा जो है वो भी आदत बहुत खराब है। लेकिन आजकल क्या करते, मैंने बहुत ऐसे पेशेंट देखे गुटखा खुद नहीं खाते लेकिन वो पूरी आती है तंबाकू वाली है, तो तंबाकू की पूरी बहुत लोग खाते है, लड़कियां भी खाते मुंह में रखती है, तो तंबाकू जो है वो इतनी खराब चीज है। तुम तंबाकू कागज पर रखो, धूप में रखो, थोड़ी देर से वो जल जाएगा। ये प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है, यानी तंबाकू जो है इतनी वायलेंट रहती है, वो जब खाते हैं तो उसका कोई कोई क्या बोलते हैं, हम तो थूक देते हैं, उसका खाली रस ही लेते हैं, लेकिन वो रस जो है वो भी फेफड़े के लिए क्या होता है, नुकसान करता है। वो बोलते हैं हमने थूक दिया लेकिन वो जो मुंह में रखते हैं उसका रस और सीधा फेफड़े पे जाता है। What is lungs? Lungs are the spongy organ. बराबर है, एकदम नरम है ना लंग्स, कैसे तुम जो अभी पहले तो स्लेट के ऊपर अपना स्पंज इस्तेमाल करते थे वैसा है। तो क्या होता है उसका स्पंजी है, because God has created it spongy to keep the expiration and inspiration. बराबर है, उसको पंपिंग होते रहते हैं ना लंग्स, तो जब वो उसका स्पंजीनेस चला जाता है they become hard, और हार्ड हो गए तो ब्रीदिंग जो है वो नहीं बराबर हो सकता है। ब्रीदिंग नहीं हुआ तो तुमको श्वास लग जाती है। तुम देखते होंगे दमा के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, तो व्हाट इज अस्थमा, अस्थमा इज नथिंग बट इनएबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपरली। बराबर है, तो इस तरह से लंग्स पर भी असर होती है। तो जो भी तंबाकू भी खाते होंगे तो उनको भी थोड़ा अलर्ट कर देना कि भाई तंबाकू भी खराब चीज है, ये बात आई समझ में। तो ये जो सब चीजें है तो शरीर और मन ये दोनों का जो मेल करना है, अपने को बैलेंस रखना है। बैलेंस रखने के लिए अपने स्वभाव भी थोड़ा बहुत बदल आना चाहिए। कोई भी चीज दुनिया में अपने मन जैसे होने वाली नहीं है, तो अपने को मन की तैयारी रखना है कि भाई सब मेरे मन जैसा नहीं होने वाला, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑड सिचुएशन, ऑड सिचुएशंस को फेस करने की तुम्हारे मन की तैयारी रखो और जहां जहां पॉसिबल है वहां सामने वाले को भी बदलने की कोशिश करो। लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क है, सामने वाले को अपन बदल नहीं सकते लेकिन अपन खुद क्या कर सकते हैं, बदल सकते हो। इसलिए फिटनेस, फाइन एंड फ्रेश, ये तीन चीज अपने लाइफ में रखने के लिए, हेल्थ एंड हाइजीन, ये दो एज का अपने को क्या करने का है, अच्छा इस्तेमाल करने का है। तो हाइजीन के बारे में अपने यहाँ एक तो बोली हवा की वजह से अपना हाइजीन बिगड़ सकता है, दूसरा पानी की वजह से। पानी समझो तुमने छाना नहीं है रोज के रोज, तो उबालने की तो जरूरत नहीं रहती। अपना मालेगांव का प्लांटेशन बहुत अच्छा है लेकिन कम से कम रोज छान के पानी पीना है, कहीं बाहर गए तो भी अपना पानी साथ में लेके जाना है। दूसरी बात जो फूड है, मैडम ने दफ्तर मैडम ने भी बताया था तुमको कि भाई पिज्जा बर्गर वगैरह ऐसी चीजें नहीं खानी है। तो जो फ्रेश है अनाज कुछ भी फ्रेश खाओ, गर्म करके खाओ, और जो है हरी सब्जी वगैरह सब ज्यादा खाओ। कैल्शियम जो है लेडीज के बारे में मेंस्ट्रुअल फ्लो जो रहता है उसमें से कैल्शियम और आयरन तो बहुत जाता है, लगभग 1-2 ग्राम आयरन एक पीरियड के अंदर जाता है और 400 मिलीग्राम जो है तो कैल्शियम जाता है। इसके लिए आदमियों से अपने को कैल्शियम और आयरन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो हम तो 40 साल की उम्र हुई तो सबको सजेस्ट करते कि रोज कैल्शियम की गोली चालू कर दो, लेकिन तुम्हारे उम्र में कैल्शियम की गोली वगैरह समझो नहीं लिए तो कम से कम डाइट में दूध है, अंडा है, समझे क्या, दही, कैल्शियम वाली सब्जियां, सभी पूरी वगैरह भरपूर हरी सब्जी खाने की, दूध पीने का, फ्रूट खाने के,
जितना भी खाते तुम्हारा बैलेंस डाइट रखा तो भी तुम्हारी सेहत क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। देख हवा के जरिए जरा सिंह तुम्हारे बदन में जाएगी, दूसरा पानी की वजह से जाएगा, और तीसरा क्या है खाने की वजह से। तुम्हारा खाना सब अच्छा परोसा है, टेस्ट करने को पहले मक्खी आ गई तो तुमको अच्छा लगेगा, मक्खी को टेस्ट करने देंगे कर लो नहीं ना। और इसके लिए साफ सफाई जितनी घर में रहेगी तो मक्खियां नहीं आएगी, और जो खाना है वो खाना आप ही खाओ, मक्खी को मत खाने दो। दूसरी बात, ये मलेरिया वगैरह जो आता है तो मच्छर की वजह से आता है, तो जितनी तुम साफ सफाई रखेंगे तो उतने मच्छर नहीं आएंगे। पूरे मच्छर रोकना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपन मच्छरदानी इस्तेमाल कर सकते, ओडोमॉस लगा सकते, मक्खियों से मच्छरों से भी अपने को क्या करना है बचना है। और दूसरे भी जो है गंदगी जो है जितनी हो सके उतनी तुम डालेंगे तो तुम्हारा हेल्थ और हाइजीन जो है दोनों क्या होगा अच्छा रहेगा। और एक बात ध्यान में रखने का, कभी भी कुछ भी तुम्हारे सेहत के बारे में तुम्हें प्रॉब्लम रखा तो निग्लेक्ट मत करो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने की, समझे ना। डॉक्टरी सलाह लिए तो फिर तुम्हारी जिंदगी क्या रहेगी अच्छे से रहेगी, और जितना तुम साफ सुथरा रहेंगे और जितना तुम मन से भी, खाली शरीर की साफ सफाई नहीं है, मन से भी अपने को गुस्सा नहीं करना, किसी को खराब बोलना नहीं है, अच्छी सोच रखना, कुरान अच्छे से पढ़ना है। कोई भी धर्म में ऐसा नहीं बोला है कि दूसरे को गाली दो करो, कोई भी रहो हिंदू मुस्लिम सब धर्म सिख ईसाई सब, तो अच्छी अच्छी सोच तुम्हें रखेंगे तो तुमको खुद को फ्रेश लगेगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्शियस लगेगा, नहीं मैंने किसी को दुखाया नहीं। तो शारीरिक और मानसिक ये दोनों बीमारियों से बचने के लिए अपनी सोच में थोड़ा फर्क पड़ो, थोड़ा स्वभाव बदलो, और आजू बाजू का जो वातावरण है वो एकदम अच्छा रखने की कोशिश करो। और दूसरी बात, अभी तुम जो ये पढ़ाई कर रहे हो आगे की भी कुछ सोचा होगा तुम्हें पीजी करना, जो तुमको जिसमें लाइकिंग है जो तुम्हें अच्छा लगे वो ही करो, किसी के दबाव में आके कोई लाइन मत लो। तुमको जिसमें इंटरेस्ट हो जिसमें तुम मेहनत कर सको वैसी लाइन करो, उसके बारे में तुम गाइडेंस लो, तुम्हारे टीचर का किसी का गाइडेंस लो, तो कोई भी चीज जो भविष्य में है तो तुम बहुत सक्सेस होंगे। इसके लिए मेरी तुम्हारे सबके साथ शुभेच्छा है कि तुम बहुत आगे बढ़ो, प्रगति करो, और देश को तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारे खुद के लिए भी अच्छा फायदा हो, और अपने पाँव पे खड़ा रहने की कोशिश करो, पाँव पर फिजिकली नहीं कुछ आमदनी, यानी कभी भी पैसा अपने पास थोड़ा बहुत इनकम का सोर्स अपने को खुद चाहिए, कुछ भी थोड़ा बहुत, तो एकदम अपन डिपेंडेंट नहीं रहते किसी, अभी माँ बाप पर है आगे जाके सोर। इसके लिए तुम खुद अपने अपने पाँव पर खड़े रहो, देश के लिए भी कुछ तुम्हारा योगदान दो। इतना मैं कह के मुझे लगता हेल्थ और हाइजीन के बारे में आपको समझा होगा सब अच्छा ना, तो मैं यहाँ रुकती हूँ, झाली झाली ना रुकती। तो आपको बहुत बहुत शुभेच्छा अच्छे अपने आयुष्य के लिए, और मैंने जो जो बातें बोली वो आप सब ध्यान रखेंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। चलो जय हिंद। आरोग्यम धन संपदा, निरोगी आयुष्य हेच आपली सर्वात महत्त्वाची संपत्ती आहे, आपली प्रॉपर्टी आहे। निरोगी आयुष्य हा खरा दागिना आहे, आणि म्हणूनच मॅडमने अतिशय सुंदर म्हणजे खूपच छान व्याख्यान दिलं की आम्ही कशा प्रकारे आपलं आरोग्य सांभाळायला हवं। अगदी डोक्याच्या केसापासून पायाच्या बोटांपर्यंत त्यांनी सांगितलं की कशा प्रकारे आम्ही आमचं शारीरिक आरोग्य जे आहे ते सांभाळायला हवं आहे। आणि म्हणूनच मी आता विनंती करते जसं मॅडम यांना की त्यांनी यावं आणि आभार व्यक्त करावं। प्लीज मॅडम। डॉक्टर रीता मर्चंट मॅडम, त्यांनी खूपच सुंदर लेक्चर दिलेलं आहे, ते लेक्चर मुलींच्या चेहऱ्यावर बघूनच मला खूप आवडलेलं आहे असं वाटत। तर मॅडमचे मी आभार मानते, बेबी ट्रस्ट, बेबी कॉलेज, स्टाफ, स्टुडंट सगळ्यांकडून मॅडम आपले खूप खूप आभार। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष हे अरुण सर, कोऑर्डिनेटर शर्मा मॅडम, पिंकी मॅडम यांच्या सर्वांचे मी आभार मानते।
I am very much thankful to our honorable chairman Alhaj Nihal Ahmed Ansari Sahib, क्योंकि वो हमेशा जो है हमें इस तरह की कुछ activities लेने के लिए जो है तो support करते हैं. I am very much thankful to our honorable principal. I am very much thankful to honorable academic and administrative coordinator Salma Abdul Sattar madam, as well as IKC coordinator Munawar sir, our physical director Desne madam, and the staff of JD College, along with all dear students and all participants. But I am very much thankful to Innerville Club also. Innerville Club cha ज्या ज्या भगिनी आज या वेबिनार मध्ये आमच्या सोबत सामील झाले आहेत त्या सर्वांचं मी खूप खूप आभारी आहे की एक चांगल्या प्रकारची ऍक्टिव्हिटी झालेली आहे आणि यामध्ये पण आपण आपला सहभाग नेहमीप्रमाणे नोंदविला त्याबद्दल थँक्यू. थँक्स अ लॉट. आणि मी विसरले क्षमा करा, आपले जे टेक्निकल असिस्टंट्स आहे विशेषतः हसीब सर आणि नवीन सर यांचे पण मी आभार मानते. आणि ह्या ज्या माझ्या प्रिय मुली आहेत ज्यांनी खूप सपोर्ट केला आणि सर्व प्रकारे हे सेशन चांगल्या प्रकारे वेबिनार चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी मदत केली त्यांचे देखील मी आभार मानते. आणि आमच्या फर्स्ट सेशनचा रिसोर्स पर्सन सुरेखा दफ्तरे मॅडम यांचे देखील आभार मानते. थँक्यू. नाउ हियर आय एंड दिस मीटिंग. थँक्स अ लॉट.